हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े की रेसिपी। नहीं नहीं, दही बड़े नहीं है ये, इसे आलू टिक्की कहा जाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की की रेसिपी। ये देखने में दही बड़े जैसी लगती है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लें। उबाल कर इसका छिलका उतार लें और इसे रफली मैश करके 2 घंटे तक फ्रिज में रख दें। हमने यहाँ पर 2 आलू का इस्तेमाल किया है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई धनिया पत्ता, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 बड़ी चम्मच सूजी डाल दें, इसे रावा भी कहा जाता है। आप इस आलू टिक्की में सूजी या फिर ब्रेड क्रम्स या फिर चावल का आटा डाल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप यहाँ पर सूजी ही डालें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इसका एक डो लगा लें और इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने दें। 10 मिनट बाद इसे इस तरीके से टिक्की का शेप दे दें। टिक्की बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप आलू को उबालने के बाद इसे 2 घंटे तक फ्रिज में रख दें। उसके बाद इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें या फिर हाथों की मदद से मैश कर लें। इससे आलू में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहेगा और आपको टिक्की बनाने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पर सारे आलू टिक्की को तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे फ्राई करने की प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए सबसे पहले पैन को गर्म कर लें। पैन गर्म हो जाने के बाद पैन में 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल डालें। ज़्यादा ऑयल ना डालें क्योंकि हम लोग यहाँ पर शैलो फ्राई करने वाले हैं, ये हेल्दी भी होती है। जब तेल गर्म हो जाए तब एक एक करके आलू टिक्की को इस ऑयल में डाल दें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लें। जब तक हमारी आलू टिक्की फ्राई हो रही है तब तक हम लोग हरी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया पत्ता, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी नमक और कुछ नहीं। इसे अब ढक्कन लगाकर मिक्सी में डालकर इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड हो जाने के बाद इसमें 1/2 लेमन जूस डाल दें। हमारी तीखी हरी चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम आलू टिक्की देख लेते हैं। देखिए हमारी आलू टिक्की थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हुई है, इसे हम पलट देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। हाई फ्लेम पर अगर इसे फ्राई करेंगे तो आपका आलू टिक्की ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी लेकिन अंदर से नरम ही रहेगी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन थोड़ी सी टाइम लगती है इसे फ्राई करने में, बस और कुछ नहीं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए हमारी आलू टिक्की फ्राई हो गई है, हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इस आलू टिक्की को आप हरी चटनी के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर दही के साथ इसे सर्व करने वाले हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी इसे दही के साथ ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। सर्व करने के लिए एक प्लेट में 2 टिक्की लें और इसमें दही डाल दें। दही डालने के बाद इसमें तीखी हरी चटनी डालें। इसके बाद आप इसमें इमली की चटनी डालें। इस इमली चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी आलू टिक्की बनकर तैयार है। आप भी अपने घर में बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।